हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आज हम ऊर्जा ग्लोबल, जो कि एक पैनी स्टॉक है, 3.5 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आज हम स्टडी करेंगे कि क्या इस लेवल पे ये स्टॉक वर्थ इन्वेस्टिंग है या वर्थ बाइंग है इस लेवल पे, या हमें और वेट करना चाहिए। हम कंपनी को भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसके स्टॉक प्राइस में देखें तो 2017 के कंपैरिजन 2018 में इसने काफ़ी दमदार रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को, बट जो प्रॉब्लम अक्सर देखने में आती है स्मॉल एंड मिड कैप में, इस स्टॉक में भी सेम प्रॉब्लम क्लियरली विजिबल है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक ज़्यादा लिक्विड नहीं रहते हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है अक्सर इन स्टॉक्स में। अगर आप देखें तो कॉन्टीन्यूसली ये 2017 अक्टूबर से अपर सर्किट में ये चल रहा था, और उसके बाद टॉप 11 रुपये के आसपास स्टॉप बनाने के बाद ये कॉन्टीन्यूसली अभी लोअर सर्किट में है। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक अच्छे बिजनेस में है जिसका फ्यूचर में काफ़ी स्कोप है, और गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सोलर एनर्जी से रिलेटेड हैं, विच इज़ जिसका फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ और अच्छे प्रोग्रेस के चांसेस लग रहे हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2014 से 2017 तक तो ऑलमोस्ट इसके कॉन्स्टेंट ही रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किए हैं, ज़्यादा ग्रोथ देखने में नहीं आई है, और सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जिसको बॉटम लाइन बोल देते हैं उस पर भी सेम विजिबल है। 2015 में ये लॉस में थे, जो कि 2016 में ये फिर से प्रॉफिटेबल हो गए, और 2016-17 में ऑलमोस्ट इसके कॉन्स्टेंट प्रॉफिट्स रहे हैं, 1 करोड़ 3 लाख 6 लाख के आसपास। अगर हम EPS देखें, 2017 का EPS इसका 2 पैसे निकल के आया था। डेट टू इक्विटी रेशियो भी इनकी नीचे आ रही है, विच इज़ गुड। जितनी डेट इनका लोन्स कम होंगे उतना बॉटम लाइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर अदर रेशियोज पे हम देखें, जैसे कि ROC एंड अदर रेशियोज, प्रॉफिट ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ, तो ज़्यादा इम्प्रेसिव नंबर्स नहीं है ये, काफ़ी ऊपर नीचे। इवन EPS ग्रोथ भी कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। हम इसके पिछले Q1Q बेसिस पे अगर देखें तो थोड़ा कंपनी ग्रोथ मोमेंटम पकड़ती हुई दिख रही है, बट इन जनरल एक लाइन में आप इसके रेवेन्यू आप बोल सकते हैं। मे बी इसका कारण ये हो कि कंपनी ऑलरेडी अपनी टॉप कैपेसिटी के ऊपर रन कर रहे हों, और अगर ये कंपनी आगे एक्सपेंड करती है, आगे और एक्सपेंशन या नए प्लांट्स या नई और फैक्ट्रीज लगाते हैं जिनसे इनके प्रोडक्शन बढ़े, तो डेफिनेटली सेल्स भी इनके बढ़ेंगे, वो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। बट अगर आप इसके EPS हम निकालें 2018 का, तो 4 पैसे निकल के आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे भी मार्च में 15% नीचे आए कंपैरिजन टू December 17, ये आप स्टॉप करके आराम से देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके वैल्यूएशंस पे। अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो ये स्टॉक क्रेजी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक, मैं आपको बताऊँ, स्टॉक प्राइस से उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। अगर किसी स्टॉक की आपको हमको एक्चुअली वैल्यू देखनी है तो उसकी वैल्यूएशन, उसकी पी रेशियो, प्राइस टू बुक या और पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर इसकी वैल्यू निकाली जाती है। हम बाकी आज काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखेंगे, जैसे प्राइस टू इक्विटी तो आपके सामने है, सॉरी प्राइस टू अर्निंग तो आपके सामने है, पी रेशियो। नेक्स्ट जो चार्ट है प्राइस टू बुक का है, और अभी हम इस स्टॉक की इंट्रेंसिंग वैल्यू एंड पी जी रेशियो पे भी ये स्टॉक देखेंगे। तो स्टॉक तो ये काफ़ी क्रेजी वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप आज का क्लोजिंग इसकी पी रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट 90 पे ये इसकी पी रेशियो ये स्टॉक क्लोज हुआ है, विच इज़ टोटली क्रेजी वैल्यूएशन। तो स्टॉक 3 रुपये का है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बहुत सस्ता हो गया है। और अगर आप प्राइस टू बुक देखें तो प्राइस टू बुक टर्म में ये स्टॉक ओके लेवल पे है, बट जितनी भी ये कंपनीज हैं ये सारी प्राइस टू अर्निंग पी ई रेशियो टर्म्स पे ही वैल्यूएट की जाती हैं। अगर हम और 2 रेशियोज आपके साथ शेयर करें, जैसे कि जैसे जिसको बोलते हैं स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू, तो हमने इसके लिए नेक्स्ट जो ग्रोथ है, नेक्स्ट 5 ईयर की ग्रोथ 10% काउंट करके चले हैं, जबकि ये कंपनी 3% के आसपास किसने ग्रोथ दिखाई है। 3% की अगर हम ग्रोथ आगे फ्यूचर में मान के चलें तो इसकी जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है 32 पैसे। बट हम अगर मान के चलते हैं कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करती है, 10% भी अगर आप ग्रोथ मान के चलें तब भी 62 पैसे इसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू निकल के आती है। अगर हम करंट वैल्यूएशन पे देखें या करंट वैल्यू पे स्टॉक देखें तो इंट्रेंसिंग वैल्यू टर्म्स में तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है।
पीजी रेशियो, पीईजी रेशियो में टर्म्स में भी अगर हम देखें तो पीईजी रेशियो टर्म्स में भी ये स्टॉक के क्रेजी वैल्यूएशंस पे है, क्योंकि पीजी रेशियो एक्चुअली निकाली जाती है कि करंट क्या स्टॉक की पी रेशियो है और आने वाले टाइम में हम ईपीएस में कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम 10% की भी ईपीएस में ग्रोथ एक्सपेक्ट करें और 77 इसकी आज की क्लोजिंग पी है, तो इसका पीजी रेशियो निकल के आती है 7.7, विच इज टोटली क्रेजी। जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि पीजी रेशियो जब आप कोई स्टॉक लें तो एक के नीचे होनी चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो और पीजी रेशियो एंड इंट्रेंसिंग वैल्यू, ये स्टॉक काफी क्रेजी वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हाँ ये स्टॉक ₹1 के आसपास आपको मिलता है या एक के नीचे, तो तब एक ये वैल्यू पिक के तरह से आप इसको देख सकते हैं। और अगर कंपनी अपना अच्छा ग्रोथ मोमेंटम आगे दिखाती है तो डेफिनेटली एक अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस हैं, बट एट द करंट प्राइस विल नॉट रिकमेंड बाइंग ऑन दिस स्टॉक। वी होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके हम बहुत जल्दी आपके सामने अवेलेबल होंगे। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च और अपने एडवाइजर की सजेशंस जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।